नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत एक दूसरे से उलझ गए। इस दौरान बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी का नाम लेकर टिप्पणी की तो श्रीनेत ने चिल्लाते हुए कहा कि कैसा बेहुदा आदमी है। जी हाँ, डिबेट के दौरान सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि मुझे इस बात पर आपत्ति है कि एक तरफ कश्मीर में हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं और दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी में इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। ये गंदी और विक्षिप्त मानसिकता दिखाता है। और उनकी इस बात पर बीजेपी प्रवक्ता ने भी तंज कसते हुए कहा है कि गाली वाली वाई गाली पर आई है और प्रेम शुक्ला की बात पर उन्होंने कहा है कि गाली नहीं देता क्योंकि वह मेरे संस्कार नहीं है। कांग्रेस में गाली देने को सभ्यता माना जाता है। सुप्रिया ने वाराणसी को लेकर कहा है कि जब बनारस से लेकर बलिया तक लाशें तैर रही थी तब पीएम मोदी कहाँ थे। उन्होंने लखीमपुर खीरी का भी जिक्र किया है। वहीं आगे उन्होंने कहा है राजीव गांधी की हत्या एक ईसाई ने की थी लेकिन कांग्रेस कभी ईसाई आतंकवाद नहीं कहती है। बीजेपी प्रवक्ता ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि यह लोग गाय की चिंता करते हैं और इनके नेता संजय निरुपम भी फेस्टिवल करते हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि वह जब केदारनाथ की यात्रा पर निकल रहे थे तो उस समय उन्होंने वीफ खाई थी। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।